सो हाय एवरीवन मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को समझा सकूँ कि आप कॉम्पटेटिव कस्टम्स के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एक ऐप आप की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ डिस्कॉर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसके थ्रू आप डिस्कॉर्ड को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी आई बना लीजिए उस पर और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए अपने इस पबजी स्क्वाड को भी बोलिए कि वो डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके आई बना ले उसके बाद आप उनसे ये चीज़ मांगिए दैट इज़ योर डिस्कॉर्ड टैग विद हैश टैग हैश टैग की भी जरूरत पड़ेगी ओके okay. मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दो तीन सर्वर के लिंक्स दे दूंगा जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी वो सर्वर ज्वाइन करने के लिए बोलिए आप कैसे वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि ये सर्वर का नाम है इसके राइट में एक एरो है उस एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपको इन्वाइट पीपल का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक दे दी जाएगी उस लिंक को आप कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इसके थ्रू ज्वाइन करें अब मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ रोल के बारे में जैसे ही आप एक सर्वर ज्वाइन करेंगे वो आपको डायरेक्ट टी थ्री के चैनल्स अनलॉक करके नहीं देगा आपको सबसे पहले क्या करना होगा सेल्फ रोल्स जाके अपना आपको खुद को रोल देना होगा कैसे जैसे कि इस सर्वर में दे रखा है सेल्फ रोल्स रिएक्ट बिलो टू गेट अ रोल विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी लाइक गिव एक्सेस टू टी थ्री स्क्रिम्स एंड मैंने ये सेम इमोजी के साथ उसको रिएक्ट किया देन मेरे को ये अनलॉक हो जाता है टी थ्री का चैनल पूरा अनलॉक हो जाता है आप जैसे कि देख सकते हैं कि अब T3 थ्री स्क्रिम्स का जो चैनल है अनलॉक हो चुका है अब इसके अंदर मेरे को T3 के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के रिगार्डिंग वो मैं ले सकता हूँ T3 थ्री इन फोर्स स्क्रिम्स रूल्स आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा आपको पता होना चाहिए कि वो कब रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं और कब उनके कस्टम्स होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए अपडेट्स रिगार्डिंग कि आज कस्टम होगा कि नहीं होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आपको इसी फॉर्मेट में उनको रजिस्ट्रेशन देनी होगी जैसे कि आ, अभी रजिस्ट्रेशन इसकी होती है दोपहर को बारह बजे दोपहर को बारह बजे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है सो तभी वो चैनल आपको दिखेगा यहाँ पे अभी बाकी टाइम पे नहीं दिखेगा तो उस चैनल में आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ प्लेयर वन का नेम फिर उसका इन गेम नेम फिर उसका डिस्कॉर्ड टैग ये ऐसे आपको पूरा भर के फिर उसी चैनल में आपको कॉपी पेस्ट करना है ओके okay. जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सर्वर में मैं अभी भी अनलॉक होगा आ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 पीएम रजिस्ट्रेशन है ई के सर्वर पे यहाँ पे 12 बजे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है बारह बज के पाँच मिनट पर चार बजे के कस्टम्स के लिए दोपहर के चार बजे के तो जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने जब ओपन किया था यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टीम्स ने कॉपी पेस्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट दिया है और ये जो चीज़ें ये होता है डिस्कॉड टैग ये ऐसे ब्लू में आना चाहिए अगर ब्लू में नहीं आया तो आपकी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगी तो ये मेक श्योर कीजिए कि ब्लू मैक कैसे आप उसी सर्वर के टैक्स टैक्स चेक में जाके टैक्स चेक में जाके आप अपना फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मैं अपना फॉर्मेट एक टैक्स डॉक्यूमेंट में रखता हूँ और जैसे कि मैं अभी कॉपी पेस्ट करता हूँ आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे कुछ टैग्स आ रहे हैं ब्लू में और कुछ में नहीं आ रहे हैं तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उस सेम नेम को वापस एट द रेट करके यहाँ पे ऐसे लिख के जैसे कि यहाँ पे जो नाम ऐसे ऊपर पॉपअप आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे ब्लू में आ गया उसके बाद अगर आप वापस डालोगे तो वो ब्लू में आ जाएगा तो आपको ये चीज़ एक ध्यान रखनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रेशन खुलते का भाई जैसे आप शेड्यूल में जाइए और उसमें आपको बता देंगे रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होते हैं लाइक ई एच डी के मैच वन होता है इनका तीन बजे दोपहर के और रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं एट ट्वेल्व पी एम ओके तो आपको बता ये भी बता देंगे आपको आई डी पास कब आएगा और मैच स्टार्ट कब होगा तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर दिया है तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है और आपको स्लॉट मिल चुका है तो जैसे कि मैं अभी ब्रूटल के सर्वर में बैठा हुआ हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर uh, होता है सिक्स सेवन और एट नाइन के लिए तो उसके बाद ये एक स्लॉट लिस्ट निकालते हैं यहाँ पे एक अलग से चैनल बना हुआ है ब्रूटल एडिट कस्टम्स स्लॉट लिस्ट तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कि ग्रुप बी में आपने रजिस्टर किया है फॉर एट एंड नाइन पी तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्लॉट लिस्ट जिसमें आपकी टीम्स के नेम दे रखे हैं तो इसके अंदर अगर आपका नाम आया तो इसका मतलब आपको स्लॉट मिल चुका है जैसे कि मेरी टीम का नाम है ई तो हमारा यहाँ पे तीसरे पे नाम आया है तो हमको स्लॉट कन्फर्म मिल चुका है उसके बाद यहाँ पे एक अलग सा चैनल भी पॉपअप होगा एट द टाइम ऑफ द कस्टम जैसे कि आठ बजे दैट इज आईडी पासवर्ड उसके अंदर आपको इसका आईडी पासवर्ड मिलेगा ओके okay, मैंने आपको एक दो सर्वर्स तो बता दिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं बट अगर आपको और सर्वर्स ज्वाइन करने हैं तो आप कैसे करें उसके लिए बहुत ईजी है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ रैंडम ऐसी मैसेजेस आएंगे जैसे कि ये ये एक्चुअली एक बॉट है ये बॉट का, का काम क्या है कि खुद के सर्व जो जो इसका मालिक है ओके okay, उसके सर्वर पे ट्रैफिक लेके आना तो जैसे कि इसने मेरे को एक प्रमोशन में ये बोल रखा है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है तो आप ये सर्वर ज्वाइन कर लीजिए तो ऐसे आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे अलग अलग सर्वर्स की तरफ से कि यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है या फिर आप यहाँ पे टी थ्री कस्टम्स या टी टू कस्टम्स के लिए प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ये सर्वर तो आप ऐसे दूसरे सर्वर्स ढूंढ सकते हैं अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सर्वर में अराउंड थ्री थाउजेंड मैंबर्स हैं अराउंड टेन थाउजेंड मैंबर्स वाले सर्वर्स बहुत अच्छे होते हैं ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड वाले तो बहुत अच्छे होते हैं आप इन सर्वर्स को भी ज्वाइन कर लीजिए आपको अगर कस्टम्स चाहिए अलग अलग टाइमिंग पे जैसे हमारे तो कस्टम्स होते हैं दो बजे से लेकर रात के ग्यारह बजे तक तो हमने इतने सारे सर्वर्स ज्वाइन किए कि हमको अलग अलग टाइमिंग के कस्टम्स मिल जाते हैं तो आप भी जितने जितने सर्वर्स ज्वाइन करोगे आपको उतने अच्छी तरह से कस्टम्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइमिंग पे फिर मैं आपको टूर्नामेंट का बता देता हूँ जैसे ये आपको प्र, प्रमोशन करके टूर्नामेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसे आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स के भी मैसेजेस आएंगे आप उन टूर्नामेंट्स में भी सेम तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का और कब से स्टार्ट होंगे वो रजिस्ट्रेशन और उसका प्राइस पूल क्या है और उसके साथ साथ बहुत बढ़िया बात तो होती है कि यहाँ के बहुत कम टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें आपको पे करना पड़ता है एंट्री के लिए वरना ज़्यादातर तो फ्री फॉर ऑल होते हैं ओके तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे समझे हो कि कैसे आप कस्टम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं मेरा मोटिव यही था कि बहुत सारे लोगों को ये समझा सकूं कि कस्टम्स के लिए कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो कैसे आप ई e स्पोर्ट्स में एंट्री ले सकते हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना उसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और मैंने ये भी देखा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स तो अनसब्सक्राइबड है सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले मैं और भी वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेट हूँ और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर करना उनको भी बताना कि कैसे आप कॉम्पिटिटिव में आ सकते हो तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय